दोस्तों, बालों के झड़ने की समस्या अभी के दौर में बहुत ही आम होती जा रही है। कई लोग को शैम्पू करते वक्त काफ़ी बाल झड़ते, कंडीशनर करते हुए बाल काफ़ी टूटते हाथ में आते, काफ़ी हेयर फॉल से परेशान है। कई लोग के बाल काफ़ी थिन होने की वजह से भी बाल काफ़ी झड़ रहे, टूट रहे, बीच में से बाल टूटने लग रहे। तो उन बालों को किस तरीके से मजबूत बनाना है, स्ट्रोंगर बनाना है। जिन लोग के बाल काफ़ी हल्के होते जा रहे, हेयर को रीग्रो किस तरीके से कराना है, जो मैं आज आपको रेमेडी बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। तो आपको करना क्या है, अभी इस वीडियो को लाइक करना है, और आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बालों को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिन लोग के बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही, काफ़ी थिन हो जाते हैं बाल और टूटने लगते, तो उन बालों पर हमें स्केल्प के अंदर काफ़ी मसाज करनी पड़ेगी ऑयल की। लेकिन सिर्फ ऑयल से काम नहीं चलेगा, तो हम जो स्पेशल ऑयल बनाने वाले, उसको किस तरीके से बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है अदरक। अदरक यानी कि जिंजर। दोस्तों, ये जिंजर हमारे स्केल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है, और हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। जिन लोग के हेयर के फॉलिकल्स काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे उनके बाल काफ़ी पतले होने लगते हैं, DHT की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये DHT को भी ब्लॉक करता है। तो एक स्मॉल साइज में आपको अदरक को छील करके बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद इसको आपको कॉटन के कपड़े में रख के इसका रस निकाल देना है, आपको अदरक का कैसे भी करके रस निकाल लेना है। अब हम इसके अंदर सेकंड इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी का एक्स्ट्रैक्ट यानी कि रस निकालने के लिए आपको सबसे पहले पानी को बॉईल कर देना है, बिल्कुल उबले हुए पानी में ग्रीन टी को रख देना है, और उसके बाद उस पानी को आपको छान लेना है। ये एक्स्ट्रैक्ट बहुत ही फायदेमंद होगा, हमारे हेयर के जो फॉलिकल्स काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हमारे बाल काफ़ी थिन दिखाई देने लगते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से रिपेयर करके बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा ये ग्रीन टी। तो ग्रीन टी का पानी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो आपको इस पानी को अदरक के रस के अंदर मिला देना है। अब हमें लास्ट चीज़ लेना है, वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल के अंदर ऐसे फैटी एसिड पाए गए, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिन लोग को स्प्लिट एंड्स होने की वजह से काफ़ी बाल टूटते भद्दे से दिखाई देने लगते, तो ओलिव ऑयल हमारे ड्राई डैमेज बाल को बिल्कुल स्मूथ बनाता है, काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव दिखाता है, चमकदार बनाता है। तो ओलिव ऑयल का आपको जरूर इस्तेमाल करना है। अदरक के रस के अंदर और ग्रीन टी के रस के अंदर 1 चम्मच के करीब आपको ओलिव ऑयल को मिला देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा हेयर ग्रोथ टोनर तैयार है, हेयर ग्रोथ ऑयल भी कह सकते हो। इस ऑयल को आपको ओवरनाइट के लिए, पूरी रात भर के लिए ही यूज़ करना है। आपको सबसे पहले स्केल्प पर ऑयल को लगाकर मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक, और ओवरनाइट के लिए पूरी रात भर आपको बालों में स्केल्प में लगाए रखना है। 1 दिन छोड़ के इस ऑयल का आपको यूज़ करना है। 1 महीने तक आपको कंटिन्यूस इस तरीके से यूज़ करना है, यानी 1 महीने में 15 दिनों तक इस ऑयल का इस्तेमाल करना है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, डैमेज बाल रिपेयर होंगे, और आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे भी होने लगेंगे।